हमें पापा से कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला। आई होप यू विल एंजॉय इट। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तू एक काम करो, जल्दी से ना सब्जी गर्म कर दो, उसके बाद ना मैं चाय बना के पापा को दे दूंगी। मतलब चाय बनी है, उसके बाद मैं निकाल के पापा को दे दूंगी। Thank you. Are you? कैसी थी? बस गुड। आई हो मुझे मूवी दे सकते हो? काढ़ा? ये बना दे दी मम्मी। बना दो। ये बना दे दी मम्मी। अब कोल्ड हो रहा है ना? मैं जल्दी से बना देती हूँ। उसमें क्या हो रहा है? मैं एक मिनट। काढ़ा इसमें क्या बनाता है? टूटू जल्दी से सब्जी निकाल दो। जल्दी से सब्जी निकाल दो। निकाल दी? हैं अभी तो गर्म करी थी। अभी फिर से खाना हम कहाँ से हो गई? मेरे को नहीं पता। चलो जल्दी से खाना खा लो। अरे बानू का खाना देख के तो मेरे को भी भूख लग रही है। मम्मा प्लीज मेरे लिए 2 मिनट्स में कुछ बना दो। मेरे को भी याद है, मेरे को भी भूख लग रही है। आई 2 मिनट में सिर्फ एक चीज बन सकती है। क्या? मैगी। मम्मा से बोल देती हूँ। मम्मा मम्मा यस प्लीज 2 मिनट्स में कुछ प्लीज बना के आ जाओ। 2 मिनट्स में? यस पापा इज करेक्ट, 2 मिनट्स में मैगी बन सकती है। तो ठीक है मैं आपके लिए मैगी बना के लाती हूँ। ओके तब तक आप लोग मिलके यहाँ पे खाना बनाओ। ओके और पापा को चाय दे दो। वानू मामा जल्दी से आपके लिए मैगी बना के ला रही है। ओके मैगी 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 पहले दे दो पापा। खाना दो। ओके सो हियर इज योर मैगी। कौन सा ज्यादा दिया? ये देखो। नहीं आयु ये तो बराबर है, सेम एकदम। नहीं तू को ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया। ओके ओके वेट आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वालू गिव मी, ये मेरे पास तो सॉल्यूशन है। तो लेट मी गेट वन बाउल। ओके सो आई हैव अ बाउल हियर। So I'm going to do one thing. तो मैं चीज करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने आयु और वानु को दोनों को सेम डिवाइड करके दिया था, लेकिन फिर भी दे स्टिल हैव अ कंप्लेन कि मैंने एक को ज्यादा दे रहा हूँ एक को कम दे रहा हूँ। इस तरह की प्रॉब्लम आपके वहां पर भी होती होगी, आपके घर में भी, राइट? सो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस, एंड अ प्रो सॉल्यूशन आई कैन से। तो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ओके लेट मी डू वन थिंग फर्स्ट। ओके मुझे इसको इस छोटे बाउल का इसमें डाल लेते हैं, एंड देन इस वाले दूसरे बाउल का भी इसमें डाल लेते हैं। ओके ओके वानू वेट आई टेल यू वेट आई टेल यू। ओके सो नाउ वी हैव एवरीथिंग इन दिस बिग बाउल। ठीक है हमारे पास सब कुछ अभी इस बिग बाउल में। मैं क्या खाऊंगी? वानू आई विल गिव यू। हमने दोनों छोटे छोटे बाउल से उठा के इसमें रख दिया। ठीक है वानू। तो फ्रेंड्स मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें आयु को, क्योंकि आयु बड़ी है, तो मैं आयु को ये प्रिविलेज दूंगा कि वो इस बड़े बाउल से दोनों बाउल्स में डिवाइड करेगी। ठीक है
और उसको डिवाइड करना है राइट, तो वो डिवाइड करेगी एंड देन एक बार जब डिवाइड कर लेगी एंड देन व्हेन यू नो व्हेन शी इज 100% फुली सेटिस्फाइड कि हाँ उसने दोनों में इक्वल डिवाइड किया है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम वानू से कहेंगे कि वो किसी दो बाउल में से एक बाउल पिक कर ले उसमें से, इट्स एज सिंपल एज दैट राइट। कुछ नहीं करना है इसमें, विल गिव एवरीथिंग टू आयु, फिर आयु इसमें डिवाइड करेगी राइट, तो उसको ये आयु को मेक श्योर करना है कि वो इक्वल डिवाइड कर रही है, क्योंकि अगर वो किसी में कम या ज़्यादा कर देगी तो वो कम वाला बाउल उसको भी मिल सकता है, तो शी हैज़ टू मेक श्योर कि दोनों इक्वल है एंड देन वन शी इज 100% यू नो ओके कि हाँ उसने डिवाइड कर लिया है, आई यू आर गेटिंग राइट, आपको समझ में आ रहा है ना, देन वन शी इज ऑल ओके कि उसने सब कुछ डिवाइड कर लिया है, देन वी विल गिव इट टू वानू और वानू को पिक करना है राइट, सो ऑल क्लियर ओके, सो यू गो फॉर इट, और उसमें फिर आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी, आई वानू यू कैन से देयर, सो इसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए आई यू फिर ओके ओके, वानू वानू जस्ट वेट वानू को आ गया है गुस्सा, अब वानू को गुस्सा आ गया है, वानू सोच रही है कि सब कुछ दीदी खाने वाली है, वानू कम फॉर द मैगी, आपको दीदी ज्यादा वाला दे रही है, यस दीदी दे रही है ज्यादा वाला वानू को, हाँ हैप्पी, ज्यादा कम में हर घर में लड़ाई होती है, यस यू कैन डिवाइड, आप उधर भी रख सकते हो ना थोड़ा सा, आपका ज्यादा मेरा कम, अब आप थोड़ा उधर भी रख लो पहले, हर घर का वालों भी दे, अभी नहीं देंगे, हाँ बन आ मेरे लिए वो बना दो कॉफी बना दो मेरे लिए, हाँ आ मेरे जब तक दीदी डिवाइड कर रही है ना, आप मेरे लिए कॉफी बना दो, आपको कोल्ड हो रहा ना, हाँ मेरे लिए कॉफी बना दो, तो आयु यू हैव टू बी 100% श्योर कि दोनों इक्वल हैं ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड करोगे और देन वानू इसमें से एक पिक करेगी, तो वानू कोई भी पिक कर सकती है, wow ayu is distributing it nicely, bahut acche se distribute kar rahi hai, no wrong cheating ah not like that, ab aapko utna jitna aapne khaya hai wo extra dalna padega, okay ha 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 abhi denge, banu didi ke muh se chheelne lagi hai, okay ayu so is it all done, you still have few left here, do it fast First. Okay, you still have few left here, so I can help you. Okay. One second, one minute, Vanu, 1 minute, almost there. Okay, so now check it. Okay. So are you satisfied? So no. So are you? आप ये ना आपने divide किया है, okay? इसमें ना मैंने किया है ना वानू ने किया है ना मम्मा ने हेल्प करी, ये सिर्फ आपने डिवाइड किया है ओके, विच मींस आपने इक्वल डिवाइड किया है, यू कैन चेक इट अगेन, आप एक बार देख लो आयु आप पर ज्यादा है कहीं पर कम है तो आप उसको फिर से थोड़ा सा चेंज इधर से उधर कर सकते हो, ओके आयु ओके, वानू कम है, वानू को ज्यादा वाला मिल रहा है, वानू को बार-बार गुस्सा आ जा रहा है फ्रेंड्स, हां ओके आपको ओके ओके, तो यू आर सेटिस्फाइड, दोनों डिवाइड किए हैं, हाँ हाँ वन मिनट आप पूरे 100% सेटिस्फाइड हो, तो फ्रेंड्स आपने देखा ये आयु ने डिवाइड किया है एंड आयु हैज मेड श्योर कि दोनों जो मैगी है दोनों बाउल्स में वो इक्वल है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर वानू अगर कोई और इसमें से कोई बाउल पिक कर लेती है उसमें ज्यादा है तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आई थिंक वी आर ऑल गुड हियर फ्रॉम दिस पॉइंट, वानू ओके आपने डिवाइड किया था इसका मतलब आपने चीटिंग की है इक्वल डिवाइड था ना तो देन और ये वानू का है तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना सिंपल सॉल्यूशन था दोनों हैप्पी हैं अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है दे बोथ आर हैप्पी तो
आप भी अपने घर में ये चीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी किड्स हैं तो आप अपने जो आपके एल्डर किड है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि नो ही कैन डिवाइड, और आपके जो यंगर किड है उसको बोल सकते हो कि नो आप उसको से पिक कर लो, तो दे बोथ विल बी हैप्पी। तो इस तरह की चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड नो ये सॉल्यूशन काम करता है बिकॉज क्योंकि ये सॉल्यूशन मुझ पर भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। आयु के दादू ऐसा करते थे कि मतलब वो हम मुझको और मेरी सिस्टर को और आयु की बुआ को दे देते थे और मैं एक डिवाइड करता था और एक उसमें से पिक कर लेता था, तो ये चीज़ उसमें बहुत काम करती थी। और सेम ट्रिक जो है मैंने सीक्रेट जो है मैंने आयु को बता रखा है एंड टू यू यू गाइस आल्सो, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देखो कि क्या काम कैसे कोई इससे आपको हेल्प मिलती है नहीं मिलती। आई रियली फील कि ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। एटलीस्ट जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड जस्ट लेट अस नो हाउ इट गोस। सो आर यू ऑल गुड? तो नेक्स्ट टाइम से यही चीज़ करेंगे फिर हम, राइट? सो देयर इज नो रूम फॉर एनी डाउट कंफ्यूजन कि इसको ज़्यादा दिया है इसको कम दिया है। वानू अरे फ्रेंड वानू खाएंगे वानू ऑल गुड ऑल गुड गिव मी अ थम्स अप। मैगी वाला थम्स अप दिया पापा उसने। ओके थैंक्स गाइस मैं खा रही हूं। बोथ आर हैप्पी सो से बाय बाय फ्रेंड्स। ओके बाय बाय फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।